सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। ट्रूट्रेक्स 25 mg SI टेबलेट जो कि गैल केयर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है, हाइड्रोक्सीजिन 25 mg इसके अंदर डाला गया है तथा ये 10 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका MRP 42 rupees रहता है। प्रोटेक्स 25 mg टेबलेट जो कि यूज होती है एंजाइटी का ट्रीटमेंट करने के लिए तथा जो एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसका ट्रीटमेंट करती है, जैसे कि इचिंग का, स्वेलिंग का और रेसेस का और एक्जिमा और डर्मेटाइटिस और सोरियासिस में इसको ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है। प्रोट्रेक्स 25 mg टेबलेट को किन किन केस में दिया जाता है, कब तक इसको लगाया लेना पड़ता है और इसको लेने से आपको क्या बेनिफिट होगा या क्या साइड इफेक्ट होगा, तो संपूर्ण जानकारी के लिए आपको ये टेबलेट के बारे में पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपको प्रोट्रेक्स 25 mg के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। प्रोट्रेक्स 25 mg टेबलेट जो कि गैल केयर फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है और इसके अंदर हाइड्रोक्सीजिन 25 mg डाला गया है। प्रोट्रेक्स 25 mg टेबलेट जो कि एंजाइटी का ट्रीटमेंट करती है जब आपको सर्जरी वगैरह हुआ है तब उसको दिया जाता है तथा ये एलर्जिक कंडीशन में यूज होती है, जैसे कि इचिंग में, स्वेलिंग में और रैशेस में और एक्जिमा, डर्मेटाइटिस और सोरियासिस में भी इसको यूज किया जाता है। तो इस टेबलेट को लिया जाता है खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, डॉक्टर जैसे एडवाइस करते हैं तो वैसे लेने का। और ये एंजाइटी का ट्रीटमेंट करती है और स्किन कंडीशन जैसे कि इन्फ्लामेशन और इचिंग का ट्रीटमेंट करती है। तो प्रोटेक्स 25 mg जो कि SI टेबलेट है वो रिड्यूस कर देती है जो एक्सेसिव एंजाइटी होती है और वरीड रहती है तो उसको कम कर देती है तथा स्ट्रेसफुल रहती है तो उससे कम करती है, जो स्ट्रेस रहता है अपने माइंड में तो उसको भी कम कर देती है कुछ टाइम के लिए तथा ये जो काम करती है, जो कि इसके केस में काम करती है जब आपको एक्जिमा, डर्मेटाइटिस और एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसमें भी ये काम करती है। तो इसको अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो आपको कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जितना नीड नहीं है उससे भी ज़्यादा लोगे तो कुछ साइड इफेक्ट होगा ही। तो जैसे कि इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो सेडेशन हो सकता है आपको, नोजिया हो सकता है, उल्टी हो सकती है, पेट में गैस हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि कोई भी टेबलेट अगर आप ज़्यादा लोगे तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस टेबलेट को डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसा लेने का, और इस टेबलेट को जब भी ले तो इसको पूरा ले, ऐसा ना करें कि आधा टेबलेट आज ले रहे हो आधा टेबलेट कल ले रहे हो, ऐसा नहीं करने का, इसको पूरा लेने का तथा इसका खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद ले सकते हो और इसका डोज और ड्यूरेशन फिक्स रखोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो प्रोटेक्स 25 mg टैबलेट जो कि ऐसा टैबलेट हाइड्रोक्सीजिन 25 mg डाला गया है जो कि एलर्जिक कंडीशन में रिएक्ट काम करता है तथा यह ब्लॉक कर देता है सर्टेन केमिकल मैसेंजर को जो कि रेस्पॉन्सिबल रहता है स्वेलिंग के लिए, एलर्जी के लिए और इचिंग के लिए। तो उसके में यह आती है और शॉर्ट टर्म एंजाइटी में यह काम करती है जो कि ब्रेन के स्ट्रेस को कम करती है और आपको रिलैक्स फील कराती है और अच्छे से नींद आती है। तो प्रोटेक्स 25 mg को अगर आपने अल्कोहल वगैरह किया तो उसकी नहीं ले सकते, अगर आप प्रेग्नेंट वगैरह तो उस केस में भी नहीं ले सकते, और प्रोटेक्स 25 mg को डॉक्टर की सलाह से ले। तो इसके बारे में अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।